स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल जिले के भीमपुर में भारी बवाल, प्रदर्शनकारी बेकाबू, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। बैतूल जिले के भीमपुर में जहां पिछले दिनों भीमपुर इमली ढाना की एक आदिवासी महिला की सब्जी की दुकान हटा देने से प्रारंभ हुई मामूली विवाद पर आदिवासी संगठन जयस एवं गोगपा संगठन के लोगों द्वारा भीमपुर बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि आदिवासियों के साथ शोषण एवं अत्याचार करने वाले पर कार्यवाही की जाए। उक्त घटना दिनांक 27 फरवरी 2022 की है। वहीं आदिवासी द्वारा 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था। कार्यवाही नहीं होने पर आज दिनांक 5 मार्च 2022 को गोकिया एवं जयस संगठन द्वारा भीमपुर में विशाल रूप से प्रदर्शन किया गया। जैसे जैसे शाम होने लगी, भीमपुर में बवाल की स्थिति निर्मित होने लगी। संगठन के लोगों द्वारा वाहनों एवं दुकानों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया गया, जिस पर पुलिस को आंसू गैस एवं लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस बल के साथ नगर रक्षा समिति के सदस्य भी दिखाई दिए। बड़ी संख्या में एकत्रित गोगपा एवं जय संगठन के लोग पुलिस पर हावी हो गए। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि इस पूरे बवाल में 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना की सूचना लगते ही बैतूल से भारी पुलिस बल को भीमपुर रवाना किया गया। पुलिस के उच्चाधिकारी भी भीमपुर रवाना हो चुके हैं। पुलिस के उच्चाधिकारियों के भीमपुर पहुँचने के बाद अब स्थिति काबू में बताई जा रही है। 31 सहित कई लोगों पर मामला दर्ज। दीपक बर्थी की रिपोर्ट।